सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं और ये है सूरज और सूर्य भगवान हमारे साथ हैं। ये देखिए सूर्य की किरण हमारे ऊपर आ रही है और मिस विधि कहाँ गई, भाग गई। ठीक रहा है, वो ठीक रहा है। ये एक प्राणी है जिनको बहुत ठंड लगती है, धूप ले रहे हैं, देखो किरण आ रही है एक सूर्य की, उस सूर्य की किरण से इनको एनर्जी मिल रही है, पॉजिटिविटी मिल रही है। और ये अपने नेल्स कट कर रहे हैं और ये गिलोय लगा है और ये मिस विधि है जिनको बहुत ठंड लग रही है लेकिन ये डांस कर रही है, डांसिंग बेबी है ये। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है वृंदावन का व्लॉग और वृंदावन में सभी की सुबह हो जाती है बहुत जल्दी, हमारी इतनी जल्दी नहीं होती है लेकिन हाँ फिर भी मम्मी जी, पापा जी, दीदी सभी जल्दी उठ जाते हैं और विधि जी भी जल्दी उठ गई हैं। और हम लोग आज जा रहे हैं सब्जी मंडी, मैं और दीदी के साथ ही मैंने पूरा वृंदावन घुमाया। और ये देखिए ये लगी है मेथी और गिलोय जो कि बंदर जी महाराज की कृपा की वजह से हमको खाने को नहीं मिलता है, सब कुछ बंदर जी ही खा जाते हैं। तो बस हम निकल पड़े हैं सुबह सुबह, 7:30 बजे से 8 बजे के बीच का टाइम है और ये है 30 दिसंबर का वीडियो। तो देखिए सूरज जी ने दर्शन दे दिया और बहुत ही चिलिंग डे था, बहुत ठंड थी लेकिन क्योंकि सुबह सबकी जल्दी होती है और सब्जी मंडी तो सुबह सुबह ही लगती है और सुबह सुबह सब्जी मंडी लगती है। और जो ये सब्जी मंडी है बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एकदम होल सेल रेट पे मिलता है, बहुत ही सस्ता सब कुछ। तो मोस्टली जो वृंदावन में जितने भी आश्रम हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल हैं, वो सभी लोग आके वहाँ पर थोक में सब्जियाँ खरीदते हैं। और देखिए अभी सुबह का टाइम है, कितनी शांति नज़र आ रही है रोड्स पे सब जगह। वैसे भी उतनी भीड़ भाड़ नहीं रहती है इन एरियाज़ में लेकिन हाँ अभी सुबह का टाइम है तो काफ़ी शांति है। और सूरज सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन स्कूटी पे जो बहुत ठंड लग रही थी, बहुत ज़बरदस्त वाली ठंडी थी। और यहाँ पे जो ये बैटरी ऑपरेटेड जो रिक्शा चलता है ना, इसको राही बोलते हैं। तो अगली बार अगर आप वृंदावन जाएं तो राही की सवारी ज़रूर करें क्योंकि कार तो आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी, एंट्री कार की नहीं होती है फेस्टिवल टाइम पे। तो फेस्टिवल टाइम पे ही मोस्टली लोग जाते हैं, तो जब पब्लिक बहुत ज़्यादा जाती है तो कार की एंट्री बंद हो जाती है, अंदर सिटी में आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ती है और फिर उसके बाद राही की सवारी करनी पड़ती है। तो राही में बैठ के वृंदावन जरूर घूमिएगा। और चलिए देखिए मैं आपको क्या क्या दिखाती हूँ। तो सब्जी मंडी वैसे तो आपको सब लोग ब्लॉग्स दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं, मैं आपको अनसीन वृंदावन दिखा रही हूँ जो रियल वृंदावन है। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय करिए। राही देखिए जा रहा है और साथ में हम भी जा रहे हैं, तो एंजॉय करते हैं ये ब्लॉग और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। इस बार वृंदावन का स्टे मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेशल हो गया था क्योंकि सभी लोगों ने घर पे काम किया, हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम घर से कर रहे थे, बेटी की क्लासेस थी, विधि की छुट्टियां थी लेकिन विधि को लेके हम कहीं बाहर नहीं निकले। लेकिन मैंने बहुत सारी घूमी की दीदी के साथ में। तो बस सब्जी मंडी पहुंच गए हैं और ये अंदर एंट्री कर रहे हैं हम सब्जी मंडी की तरफ, देखिए। और इसका पूरा डिटेल एड्रेस या जो भी इन्फॉर्मेशन है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर किसी को भी और इन्फो चाहिए तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं बता दूँगी। आज मंडी है कितना, 10 रुपए किलो? होगा 20 रुपए किलो। बाप रे, ये वाला अच्छा है ना? क्या ये वैसे देसी वाला थोड़ा काटना पड़ेगा बड़ा। नहीं की 2 किलो तो उठाए चलो ले तो वीडियो बनाऊंगी। मोटी ना है, मोटी ना है, मोटी आओ तो ना, मोटी नहीं पड़ेगी। फल सारे लगे हैं सामने, तो सेब वगैरह यहाँ से ही ले जाते। हर चीज़ इतनी सस्ती है कि बता नहीं सकती मैं। गोभी 15 रुपए किलो, गाजर 10-15 रुपए किलो, मतलब हर चीज़ 2-2 किलो, 3-3 किलो घर पे आती है, 5-5 किलो, और बहुत सारी सस्ती सस्ती सब्जियां हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे सब्जी मंडी में हम जनरली जाते हैं तो लेडीज़ गर्ल्स को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कभी कभी कुछ ऐसे, लेकिन वृंदावन में बहुत ही अच्छे से सब रिस्पेक्ट के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं और आपको ज़रा सा भी अनईजी नहीं लगेगा कि आप सब्जी मंडी में गए हैं। तो बहुत ही आसानी से, और दीदी तो अक्सर ही जाती रहती हैं। और यहाँ पे देखिए ये शकरकंद, मतलब कद्दू 10 रुपए का, और मूली, इवन जो हरी मिर्च मोटी वाली थी अचार वाली, ये भी 20 रुपीस केजी था। आंवला था, और मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें थोड़ी सी अचार के लिए ली थी। मशरूम 30 रुपीस का था। तो हर चीज़ बहुत सस्ती थी, मतलब लैक्टो के कंपेरिजन में तो बहुत बहुत सस्ती। तो मैंने तो ढेर सारी सब्जियां खरीदी और खूब सारी खाई हम लोगों ने। वहाँ पे जितने दिन भी हम रहते हैं हम खूब मस्ती करते हैं, मतलब खाना तो एटलीस्ट बहुत अच्छे से, क्योंकि एकदम फ्रेश सब्जी मिलती है। और इतनी ढेर सारी शॉपिंग करके घर आए थे। तो आई होप कि ये ब्लॉग वृंदावन का एकदम रॉ ब्लॉग था, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरे वीडियोस मत देखा करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरे थोड़े से हार्डवर्क को आप अप्रिशिएट करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।